वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे हैं। हम लोग बहुत बढ़िया हैं। और ये आ गया पार्ट हगी देने आ गया। मतलब बच्चों ये बदमाशी केवल करता रहता हूँ। तो आज है संडे और संडे को अरे वाह, ये ना बहुत ज़्यादा ही बदमाश हो गया है। देखिए ये क्या कर रहा है। आके या इसी में थूकता है। इसको इधर उधर थूकने का जगह नहीं रहता है। बहुत बदमाश हो गया। अरे एक नंबर का ये बदमाश हो गया है। इतना ज्यादा बदमाश बात नहीं करेगी मम्मा तेरे से। अब जा कर ले बदमाशी। इसको कुछ पढ़ने भी ढंग नहीं आता है। पढ़ने के लिए सिखाओ। चल किसी दे मम्मा को। तो आज है संडे और आज बनने वाला है खाने में लिट्टी और सब्जी। सिंपल वाली लिट्टी और सब्जी मटर वाले यम्मी हमेशा। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाना स्टार्ट करते हैं और जल्दी से खाना खा के बताते हैं आप लोगों को कि आज का खाना लग कैसा रहा। अभी तो बना ही नहीं है, मतलब बनने के बाद। तो चलिए चलते हैं किचन में और बनाते हैं फटाफट खाना। तो हमने डाला थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा पंचफोरन और इसे थोड़ी देर तड़कने देंगे। अब इसमें डाल देंगे हम तेजपत्ता और प्याज डाल के हम अच्छे से प्याज को भुनेंगे। वैसे मैंने एक बड़े साइज का प्याज लिया है, ज़्यादा प्याज नहीं लिया है क्योंकि दम आलू में ना ज़्यादा प्याज अच्छा नहीं लगता। ग्रेवी गाढ़ी गाढ़ी हो जाए ना तो फिर अच्छा नहीं लगता। लिट्टी से जो खाना आना उसके साथ खास करके। तो प्याज गुलाबी गुलाबी सा हो गया है। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट और इसे भी अच्छी तरह भून लेंगे। मतलब 2 से 3 मिनट तक प्याज के साथ इसे भून लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम मटर। मटर हम इस टाइम इसलिए डाल रहे हैं ना क्योंकि ये वाला जो मटर आ रहा है ना आजकल पता ना क्यों पक ही नहीं रहा है जल्दी। बहुत टाइम लग जा रहा है पकने में, समझ में ही नहीं आ रहा है, इसलिए पहले डालना पड़ता है। और ये मटर के लिए थोड़ा सा नमक ताकि सीज जाए मटर जल्दी। और इसे भूनेंगे। तो देखिए मटर भून गया है। अब इसमें हम डाल देंगे मसाले जैसे हल्दी पाउडर, नॉर्मल जो रेगुलर मसाले होते हैं ना वही सारे मसाले पड़ेंगे, कुछ ज़्यादा नहीं पड़ेगा। अगर मटर पक जाता ना तो पहले मसाले भूनते उसके बाद मटर डालते, बट मटर पकता नहीं है ना जल्दी आजकल, वो पता ना कौन सा मटर बोलते हैं तो पकता नहीं है, इसीलिए पहले मसाले नहीं डाला। और मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे एकदम। तो देखिए मसाले भून गए कितने अच्छे से और मटर भी एकदम सॉफ्ट हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आलू और इसे हम चलाते हुए भून लेंगे थोड़ी देर। जस्ट थोड़ी देर भुनना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना है ताकि आलू पे मसाले अच्छे से कोट हो जाए और आलू भी थोड़ा सा ग्रेवी को अब्जॉर्ब कर ले। तो ये गया पानी। पानी आप अपने जितना आपको ग्रेवी खाना हो उसके हिसाब से डालें। और ये धनिया पत्ता और इसे हम ढक के आप पकने देंगे। ये पक गया है, लगभग 5 मिनट और लगेगा। तो सब्जी बन गया है। अब हम लिट्टी की तैयारी कर रहे हैं जिसके लिए आटा हमने गूंद लिया था और बस गोले करके कर, एक सादी लिट्टी, सादी मतलब कि इसमें स्टफिंग नहीं रहेगा, सत्तू नहीं भरा जाएगा, सिंपल सा है। तो बस ऐसे कर देना है और फिर ऐसे बंद कर देना है खाली खाली सा। इसे क्या होता है ना कि बीच में थोड़ा खाली रहता है ना तो अच्छा लिट्टी बनता है कहते हैं ऐसा, मुझे नहीं पता। सादी लिट्टी भी बनाने के लिए ऐसा करना पड़ता है हमारे यहाँ। तो ये बना रहे हैं। आटा सिंपल ही होता है। आटा में हमने नमक वगैरह डाला है, अजवाइन वगैरह, इससे टेस्ट थोड़ा अलग आता है। और मोयन डाला है, मोयन मतलब घी डाला है आटे में। घी या रिफाइन ऑयल कोई भी आप यूज कर सकते हो। सरसों तेल ना यूज करें, सरसों तेल थोड़ा कड़वा होता है ना, तो मोयन के लिए सरसों तेल यूज नहीं करते हैं। और लिट्टी वगैरह में ना ये सादी लिट्टी में तो खास नहीं, तो थोड़ी कड़ी कड़ी लगती है ना तो अच्छा नहीं लगता। मतलब अपना अपना स्वाद है, किसी को अच्छा लगता है किसी को अच्छा नहीं लगता, तो मुझे वैसे ही अच्छा नहीं लगता इसलिए हमने घी डाला है इसमें। और ऐसे ही खाली सा ऐसे कर करके रखते जा रहे हैं और फिर इसे हम डीप फ्राई करेंगे आज, क्योंकि सब्जी यम्मी वाला बना है ना।
मटर की, तो उसके साथ आज मन कर रहा था, संडे था तो सोचे चलो कुछ स्पेशल खाते हैं। मतलब ऐसा नहीं है हर रोज कुछ ना कुछ स्पेशल बनता ही है, बल्कि भी होता है ना कि कुछ अलग खाने का मन करता है, जैसे लीटी सब्जी, लीटी मीट मेरा फेवरेट है, मीट लीटी हाँ ऐसे ना, मतलब इसलिए बोला ना मीट लीटी क्योंकि कभी कभी लीट मीटी हो जाता है बोलते वक्त तो गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए ध्यान देना पड़ता है। कुछ लोग ना अभी नहीं, अभी तो बहुत लोग सुधार कर लिए हैं, बट गांव में जाइए ना तो कभी कभी क्या होता है ना, लोग ना किचन को चिकन कह देता है, चिकन को किचन कह देता, मतलब लोगों को ना इतना कन्फ्यूजन रहता है ना, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं ना, कोई कोई मतलब ऐसा नहीं है कि अनपढ़ लोग नहीं, पढ़े लिखे लोगों से भी गलती हो जाती है, और भी जैसे होता है ना हम लोग यहाँ किचन अब मतलब बहुत सालों से कहने लगे, लेकिन जब हम लोग छोटे छोटे थे ना तो लोगों को चिकन और किचन दोनों में फर्क समझ में नहीं आता था, जब बोलना होता था गलती हो जाती तो पता चलता अरे तब जगह सुधारते थे, ऐसा होता था। अभी भी बहुत लोग हैं बट जैसे होता है ना कि जो पहले के लोग हैं वो तो बोलते ही नहीं है, बट कुछ कुछ वर्ड वो लोग भी इंग्लिश बोलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बोलते हैं। आप गांव में को जाओगे ना हंसते से गिर जाओगे लोग बातें सुन सुन के। जब पहले ना पहले बहुत पहले रिक्शा आया था ना, तो रिक्शा नहीं होता है तो गाँव में रिक्शा नहीं होता था ना उतना, अब भी आजकल एक दो, अभी भी उतना गाँव में रिक्शा नहीं रहता, एक दो ही रहता है, वो भी बाजार वगैरह चट्टी बोलते हैं हम लोग, मतलब बाजार हम लोग नहीं, हम लोग तो बाजार ही बोलते हैं, मतलब हम लोग के साइड चट्टी भी बोलते हैं उसको, चट्टी साइड ऐसा कुछ। तो वहाँ पे एक दो रिक्शे रहते हैं, तो एक ना गांव की दादी थी वो कहती थी ना रकासा वाला मतलब हम लोग जब पढ़ने जाते थे स्कूल में 3-2 में, तो सब लोग ना अपने दादी के किस्से सुनाया करते थे, यार मेरी दादी तो ये कहती है, अरे मेरी दादी तो ये कहती है, तो कुछ भी नहीं, हम लोग ऐसे ही हंसी उड़ाते थे और बहुत अच्छा भी लगता था उस वक्त। और संडे जब रहता था, जब पढ़ाई करो संडे आता है ना, तो संडे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल सा लगता है, नहीं लगता अभी है कि नॉर्मल सा लगता है, बट फिर भी अभी भी स्पेशल ही लगता है संडे, पता नहीं क्यों बट स्पेशल लगता। तो लिट्टी हमने बना लिया, बहुत सारा लिट्टी बना दिया, बट कोई बात नहीं सारी लिट्टी है शाम तक भी चल जाएगा, रख देंगे। तो लिट्टी हम लोगों ना दो टाइम खा लेते हैं आराम से, कुछ वो नहीं लगता है, दूसरी सब्जी दूसरा कुछ रहता है तो लगता है बसिया तिरसिया, बट लिट्टी हम लोग को नहीं लगता, यहाँ तक हम लोग नॉनवेज भी बसिया नहीं खाते हैं, बसिया बोले तो मतलब रात को बना सुबह में नहीं खाते। तो ये बन गया सारा लिट्टी, अब इसे चलते हैं फ्राई करने। बातें तो बहुत सारी है, अगर कोई मुझे मिले ना तो मेरी बातें ही खत्म ना हो, बट कोई बात नहीं आप लोगों से ही बातें कर लेते हैं, और अच्छा भी लगता है बातें करना, मुझे खास करके बातें करना बहुत पसंद है, अकेले रहते हैं ना इसलिए कुछ ज़्यादा ही, बट ऐसा नहीं है ज्वाइंट फैमिली में भी रहो तभी भी बातें ख़त्म नहीं होती, वहाँ तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो इसे फ्राई करते हैं हम, ऐसे आता है ना कि दादी लोग को कहने नहीं आता था तो कुछ भी, मतलब हम लोग यह बोलते हैं, उन लोगों को कहने नहीं आता था ना तो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी बहुत हंसी आती थी तब। अभी अभी बहुत लोग मतलब अच्छे से बोल लेते हैं, एक ना वो आता है याद नहीं आ रहा है एक मतलब ना मतलब एक बगल के मतलब बगल हम लोग का घर है ना, उसे जस्ट बगल में घर है, तो उनके यहाँ ना उनकी मम्मी थी, उनका नाम नहीं लेना चाहते बट उनकी मम्मी थी, तो ना क्यों कार्पिन कोई तेल आता है मुझे नहीं पता, उस वक्त मतलब 3 या 4 5 में हम लोग पढ़ रहे थे, मुझे याद नहीं है क्लास, तो उस वक्त उसकी मम्मी ना क्यों कार्पिन तेल, वो खुद बोलती थी कि क्यों कार्पिन तेल को मेरी मम्मी ना घी कुमारी तेल होती इतना हंसी आता था ना सुन के, कि आप लोग सोच नहीं सकते हो, मतलब बहुत सारे ऐसे किस्से हैं ना कि आप लोग हंसते से गिर जाओगे सुन सुन के। तो बातें करते करते मैंने सारी लीटियाँ बना ली हैं, अब चलते हैं इसे फ्राई करने। देखिए ये तैयार हो गया, अब इसे फटाफट फ्राई करेंगे और फिर खाना खाएंगे।
तो इसे पकने देते हैं और आधा लीटर बन गया है तो उनके लिए हम खाना लेके चलते हैं। यम्मी यम्मी चलो खाना खाना बैठो मम्मा आ रही है। क्या चलो बाबू चलो जल्दी रुक जा थोड़ा अच्छा कर दो थोड़ा वो तो ना हो गया तो ये लेके चल रहे हैं हम उनको खाना दे देते हैं। बाबू और वो खाएंगे तब तक। ये लीजिए लोग आप लोगों का खाना आ गया दोनों जन का। खा के बताइए खाना कैसा लग रहा है। बाबू बताओ तो खाना कैसा बहुत बढ़िया सच है झूठ तो नहीं बहुत यम्मी लग रहा है ना। पास आप क्या कर रहे हो चॉकलेट खा रहा है दोपहर खाना यम्मी। तो हम आप लोग को अब हम खा के बता रहे हैं कि कैसा है सच में अच्छा लग रहा है या झूठ तो नहीं बोल रहे थे। अच्छा लग रहा है यम्मी रियली बना के लगा वो खा के रहा हूँ बहुत टेस्टी है सच में। आज की सब्जी का लेने पता ना क्या डाला हुआ है मैंने कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बनी हुई है। बहुत यम्मी रियली तो हम खाना खाते हैं आप लोग से मिलते हैं थोड़ी देर बाद। खाना खाते वक्त नहीं बोलना चाहिए ना। तो आज का लिट्टी सब्जी बहुत ही टेस्टी था सच में झूठ नहीं बोल रहे थे हम और अच्छा लग रहा था खाने के बाद। जैसे बिहार में चले जाइए ना तो रोड साइड जो ढाबे या दुकान वगैरह नहीं रहते हैं जहाँ चाय वगैरह मिलता है तो वहाँ पे लिट्टी सब्जी मतलब जो मिलता है उससे भी ज़्यादा टेस्टी लग रहा था झूठ नहीं बोले सच में। तो आप लोग ट्राई करना और अच्छा नहीं लगे तो बोलना। अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दे शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में तब तक के लिए बाय 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 लव यू लव यू। जा रहा हूँ अब मैं जा।